ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्राचीन मोहिनी मंत्र जो कि आज तक कभी खाली नहीं गया। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो कि मोहिनी मंत्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जो कि एक बार कर देने से सामने वाला जो है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाता है, और ऐसे मंत्रों को आम जनता से छुपा कर रखा गया है। बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जो कि क्षण भर में अपना असर दिखा देते हैं, और चूंकि इनका जो प्रभाव है बहुत तीव्र होता है और इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए इनको जो है आम जनता से छिपा कर रखा गया था। मंत्रों का दुरुपयोग ना हो, कोई कुबुद्धि कोई कुमति इनका किसी का अहित करने के लिए प्रयोग ना कर सके, इसलिए मंत्रों को जो है कील दिया गया था। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो शाबर मंत्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें की किलित नहीं किया गया था। तो वो मंत्र जो क्षण भर में काम कर जाए और आपकी जो भी इच्छा हो उसको फलित कर दें, ऐसे मंत्रों को शाबर मंत्र कहते हैं। ये शाबर मंत्र जो होते हैं ये टूटी फूटी भाषा में होते हैं, कोई संस्कृत में होते हैं, थोड़ा सा आपको देहात गांव देहात की भाषा मिल जाएगी, कुछ संस्कृत के पैराग्राफ इसमें मिल जाएंगे। इन सब के युग्म से ये जो है मंत्र बनते हैं, और मैं आपको बताऊं ये इतने प्रभावी होते हैं कि इनकी जो शक्ति है वो पहले ही दिन से दिखनी शुरू हो जाती है, और न चाहते हुए भी सामने वाला जो है वो आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसी क्रियाएं देखी हैं जिनमें कि मोहिनी शाबर मंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, और पहले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसे मंत्र जो हैं वो गुप्त रखे जाते हैं, लेकिन आज आप सबके सामने वो मंत्र जो है मैं उजागर करूंगा। इसका कोई भी भली प्रकार से प्रयोग कर सकता है। इसको प्रयोग में लाने की विधि बहुत ही सरल है। आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में 1008 की संख्या में मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र जाप करते हुए यह सिद्ध हो जाता है, और इसके बाद जो है आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब जो पूर्णिमा आ रही है आप इस पर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक लाल रंग का आसन अर्जित कर लीजिए, लाल रंग के फूल अर्जित कर लीजिए, और यथासंभव जितना हो सके आपको लोबान तांबुल और एक दिया और फल फूल इत्यादि इनको एकत्रित कर लीजिए, और जितना कुछ भी होगा वो सब लाल में होगा। तो देवता जो है उनको रंग जो है वो लाल रंग जो है वो आकर्षण का होता है, ये आकर्षण के देवता को बहुत प्रसन्न करता है। एक बार यदि आप देखें तो जो पीला रंग है वो माँ बगला का है, और जो लाल रंग है वो माँ भगवती का है। तो यदि आप देखें तो ये जो रंग है इनसे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन रंगों में भी कुछ ऐसा होता है जो कि हमारी समझ से परे है। जिस तरह से जो लाइट है, लाइट जो है हम देख पाते हैं वो अलग लाइट होती है, लेकिन जो लाइट हम देख नहीं पाते जिसको इंफ्रारेड कहते हैं वो अलग लाइट होती है। आप कभी देखिएगा तो इंफ्रारेड जो लाइट होती है वो भी बिल्कुल प्रकाशित करती है। जैसे आपने कहीं पर वो लाइट लगा दी तो
जिस तरह से हमारी नॉर्मल लाइटें होती हैं, वो लाइट भी बिल्कुल वैसी ही होती है जो चारों तरफ प्रकाश कर देगी, लेकिन क्योंकि हमारी आंखों की देखने की शक्ति लिमिटेड है तो इंफ्रारेड लाइट को हमारी आंखें जो है वो देख नहीं पाती। और ऐसा आप सीसीटीवी कैमरास में देख सकते हैं, आप देखिएगा रात के समय जो है वो प्रकाशित कर देता है अंधकार को, जहां पर अंधकार होगा वहां पर एक अजीब सी लाइट आ जाएगी, उस लाइट को इंफ्रारेड कहते हैं। इसी तरह से हमारे रंगों के अंदर बहुत सी ऐसी लाइटें होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, और इन्हीं चीजों से जो है वो शक्तियां आकर्षित होती हैं, क्योंकि अभी विज्ञान जो है उस चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाया है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अनफोल्ड करना है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें ढूंढना है। जो हमारा पुरातन विज्ञान था उसमें हमें पता था कि क्या चीजें किस तरह से होती हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान था हमारे पास, जो कि ब्रह्म का ज्ञान था, इस धरती का पूरा ज्ञान, एक एक चीज का, एक एक पत्ते का हमारे पास ज्ञान था, लेकिन आज के युग में वो सब कुछ जो है विलुप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत जो हमें पता है, जो हम संजो पाए हैं, वो हमारे सामने है और वो पर्याप्त नहीं है। अगर ज्ञान अधूरा हो तो वो लाभ की जगह हानि भी कर सकता है। इसी प्रकार यदि आप कोई साधना करते हैं, मोहिनी मंत्र हो चाहे कोई भी मंत्र हो, तो उसको भली प्रकार समझने के बाद ही प्रारंभ करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो अभी एक दो दिन में जो है पूर्णिमा आ जाएगी, कल या परसों में पूर्णिमा आ जाएगी, तो आप जो है पूर्णिमा की रात्रि में 1008 की संख्या में पूर्ण लाल रंग के वस्त्रों को पहनकर किसी ऐसे स्थान में जाएं जहां पर कि जो मानव जाति है पहुंच ना पाई हो। ऐसा भी नहीं है कि आप जाके किसी जंगल में बस जाएं, कोई ऐसी जगह ढूंढिएगा जहां पर कि हवादार कमरा हो और बस आप अकेले हो, और ये साधना आप कीजिएगा। आपको 1008 की संख्या में ये मंत्र पढ़ना है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस मंत्र को पढ़िएगा और सबसे पहले इसको कंठस्थ कर लीजिएगा और 1008 की संख्या में इसका गुंफन कीजिएगा। इसके बाद यह सिद्ध हो जाता है। अब आपको 21 दिनों तक इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करना है। ऐसा करने से ये आपके पास सदा सदा के लिए, आपके अगले जन्मों के लिए भी संरक्षित हो जाता है। तो जब अगली बार आपका जन्म होगा तब भी ये विद्या आपके पास होगी और ये आकर्षण की शक्ति आपके साथ रहेगी। तो इस मंत्र को जो है संभाल कर रखें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मंत्र जो है काफी पावरफुल है, मैं बोलना भी नहीं चाहता और इसको जो है ऐसे बोला भी नहीं जाता। यदि आप सच में साधना करने चाहते हैं तब इस मंत्र को जो है आप बोलिएगा। बोलने से भी ये सिद्ध हो जाता है, बोलने से, सुनने से और इसकी चैंटिंग करने से ये सिद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने संख्या बताई है ये संख्या ही सर्वोपरि है। जो जीवात्मा होती है उसके पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आत्माएं होती हैं, तो उनके लिए जो है उसी प्रकार का मंत्र होता है। मंत्र किसी के लिए एक बार में काम कर जाता है, किसी के लिए 10 बार में करता है, किसी के लिए 50 बार में, और किसी के लिए करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र में कोई त्रुटि है, इसका मतलब यह है कि किसी के पाप कर्म जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं और किसी के जो पुण्य कर्म है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसी वजह से जो है ये मंत्र जो है काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। यदि इस मंत्र में कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 999-284-1625 पर, या फिर मुझे ईमेल कर आप अपने सुझाव या फिर कुछ भी जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।